दोस्तों आपका हमारे चैनल टेकर पे स्वागत है। आज हम एलजी के माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा हम जो पिज़्ज़ा बेस है वो रेडीमेड यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम जब माइक्रोवेव को प्री हीट पे लगाएंगे, कन्वेक्शन पे जाना है आपने 200 डिग्री सेल्सियस पे जाके इसको प्री हीट पे लगा देना है, यानी कि सीधा ही स्टार्ट कर देना। आपने स्टार्ट करोगे तो प्री हीट पे चला जाएगा, तो आपने इसको स्टार्ट कर देना और प्री हीट पे लगा देना है। 4-5 मिनट में ये प्री हीट हो जाएगा, तो फिर हम पिज़्ज़ा इसमें बेक करने के लिए लगा देंगे। अभी इसमें क्या क्या यूज करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। रेडीमेड बेस यूज कर रहे हैं, उसमें हम कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन और मशरूम डालेंगे। साथ में ये हम पिज़्ज़ा पास्ता पेस्ट यूज़ कर रहे हैं और चिली फ्लेक्स हैं, हर्ब्स हैं और ये चीज़ डालेंगे इसमें। सबसे पहले हमने बेस पे हमने पेस्ट लगा देनी है। अच्छे से चारों तरफ फैला दीजिए इसको। कोई भी आप पेस्ट यूज कर सकते हो जो आप मार्केट में इजीली आपके पास मिल जाए, आप पेस्ट यूज कर सकते हो, पिज्जा पास्ता पेस्ट। अच्छे से फैलाने के बाद हम इसमें चीज डालेंगे। चीज इसलिए डालेंगे पहले ताकि अगर हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे तो क्या होगा, जब हम कटिंग करेंगे तो वो वेजिटेबल्स ज़्यादा हिल सकती हैं, बड़े आसानी से ना वो हिल जाएंगी, इधर उधर बिखर सकती हैं। चीज़ डालेंगे तो थोड़ी उसकी पकड़ बन जाएगी, तो पहले हम चीज़ डालेंगे। हो चुका है हमारा माइक्रोवेव। अब चीज डालने के बाद हम इसमें पहले ऑनियन डालेंगे। अपने हिसाब से आप जितना डालना चाहते हो डाल सकते हो इसमें। कैप्सिकम डाल लेंगे, टमाटो डालेंगे, थोड़े मशरूम डाल लेंगे इसमें। ऊपर से थोड़ा सा और चीज डाल देंगे ताकि चीजी सा बन जाए हमारा पिज्जा। अभी हम इसमें दोबारा से कन्वेक्शन मोड पे जाएंगे, इसको बंद करके कन्वेक्शन मोड पे चले गए, 200 पे चले गए। अब हम इसको 10 मिनट का टाइम देके स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारा 10 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, फिर हम आपको चेक कराते हैं कि पिज़्ज़ा कैसे कैसे बना है। जब भी हम कन्वेक्शन मोड यूज़ करेंगे तो उसमें जो बर्तन यूज़ करने हैं, हमने प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। आपने ग्रिल स्टैंड यूज़ करना है या तवा यूज़ करना है, या आपने ज़्यादातर मेटल के ही यूज़ करने हैं। अगर प्लास्टिक वगैरह के यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे,
क्योंकि इसमें ग्रिल चलती है, आपको दिख रही होगी, सामने नजर भी आ रही होगी, तो इससे क्या होगा कि आपके बर्तन खराब हो सकते हैं। आपने कांच की आप इसमें बोरोसिल वगैरह बर्तन के बर्तन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपने ध्यान रखना होगा कि उसमें डिग्री सेल्सियस लिखा हो, जितने डिग्री सेल्सियस पे चलाना चाहते हो तो उस हिसाब से बने हो। अभी बस 1 मिनट रह गया है, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कितना बना है, कैसे बना है। तो दोबारा से स्टार्ट करोगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से बंद हुआ था। तो अभी 1 मिनट रह गया, 1 मिनट के बाद खोल के हम देखते हैं इसमें क्या इसकी पोजीशन है। अभी 10 सेकंड रह गए हैं, अभी हम निकाल के इसको देखते हैं पिज्जा कैसे बना है। हमेशा इसको किसी कपड़े के साथ खाएं ताकि ये बहुत ज्यादा गर्म होगा। ये देखिए हमारा पिज्जा तैयार है और पिज्जा बहुत ही अच्छा बना है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको चेक करवाते हैं, कर देते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से बन चुका है, चीज़ी बना है एकदम, और पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी हम इसमें चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो वगैरह डालो और आप इसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। चिली फ्लेक्स वगैरह डालें इसमें, डालो आप और इसको अच्छे तरीके से एंजॉय। अगर पिज्जा बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन अगर आप इसको और भी ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हो तो इसको आप 3 3 मिनट के लिए आप ग्रिल मोड पे चला सकते हो। ये ऊपर से और भी थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, और उसके बाद आप तवा की जगह आप ग्रिल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो आप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे तरीके से और भी आपके वीडियो बना सकें, और भी कुकिंग वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।